ये तो था आपका ऑपरेटर, हम लोग जान गए, डेटा टाइप जान गए, राइट। तो ये आपका हो गया सी लैंग्वेज को प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले। अब देखिए, कभी भी प्रोग्राम अगर हम लिखेंगे, प्रोग्राम भी क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये ना बताया आपको। यस सर। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, राइट। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना है, और ये भी एक लैंग्वेज है। सबसे पहले तो सी क्या है, लैंग्वेज मतलब ऐसा एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज में क्या क्या होता है, चीज होता है। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में क्या क्या चीज है, अक्षर अक्षर है, और क्या है, ग्रामर है सर। वर्णमाला, राइट। हिंदी में क्या यस है, वर्णमाला है, फिर सर। क्या है, यस शब्द बनाते हैं, विराम शब्द को जोड़ के क्या बनाते हैं, वाक्य वाक्य। शब्द को जोड़ के क्या बनाते हैं, वाक्य, सेंटेंस। सेंटेंस। सेंटेंस बनाने का नियम है कि नहीं है, पहले यस कर्ता लिखिएगा कि पहले कर्म लिखिएगा कि पहले क्या लिखिएगा कि पहले क्रिया लिखिएगा कि पहले संज्ञा लिखिएगा, उसका नियम है कि सर। नहीं है। तो यस सर नियम है क्या सर। बोलते हैं, नियम बताने वाले चीज को क्या बोलते हैं, ग्रामर ग्रामर, व्याकरण, यस सर। व्याकरण। उसके यस बाद क्या होता है, पैराग्राफ होता है, सर। पैराग्राफ यस भी होता है। पैराग्राफ क्यों बनाते हैं, मतलब एक पॉइंट का स्पेसिफिक को। पॉइंट का स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए, राइट। एक यस पैराग्राफ का मतलब किसी सर। एक चीज के बारे में, पैराग्राफ चेंज मतलब कॉन्टेक्स्ट चेंज, यही ना यस सर। यस है। और किताब में चैप्टर क्यों बनाते हैं, सर। प्रोग्राम से भी ज्यादा ऊपर क्या होता है, चैप्टर होता है, चैप्टर होता है और सॉरी, उसके बाद चैप्टर। पैराग्राफ। पैराग्राफ से ऊपर क्या होता है, चैप्टर। बुक और उसके ऊपर फिर क्या होता है, बुक। होता है सर पूरा। एक बुक किसी एक चीज से रिलेटेड होता है कि एक ही बुक में सब कुछ लिख देते हैं, हाँ नहीं किसी एक 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 ही सब्जेक्ट अलग से होता है। रिलेटेड लाइक होते हैं। बुक, जैसे मनीत का बुक है, गणित का बुक है, मैथ का बुक है, ठीक तो उसमें है। मैथ्यू का गणित बुक का बुक है तो उसमें गणित लिखा रहेगा कि उसमें अंग्रेजी लिखा रहेगा, नहीं सर, सिर्फ गणित ओनली फॉर लिखा मैथ। रहेगा, राइट है। यस सर। अलजेब्रा का अलजेब्रा बुक है, अलजेब्रा लिखा रहेगा कि कैलकुलस लिखा रहेगा, सर। है ना। अलजेब्रा उसमें जो मल्टीपल चैप्टर्स होगा तो चैप्टर में अलग अलग, चैप्टर में अलग अलग टॉपिक होगा ना। यस सर। ये तो हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं, हम लोग हिंदी लैंग्वेज यूज करें, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करें, मैथिली यूज कीजिए, बंगला यूज कीजिए, और मराठी वाले जो मराठी यूज करें, प्रतीक मराठी यूज करेंगे, यस चाहे लैंग्वेज कुछ भी यूज कीजिए, वहां पे हर लैंग्वेज में वर्णमाला है, वर्णमाला को मिला के वर्ड है। वर्ड भी क्या है, वर्ड का भी कोई मतलब होता है ना, वर्ड पहले से बना हुआ है कि कुछ भी लिख देते हैं आप, नहीं सर मतलब वर्ड होता है सर। पहले से बना हुआ है ना, आप वही वर्ड में से किसी वर्ड को ना यूज करते हैं जिसका मतलब यस सबको समझ में आ जाए। अपने मन से कोई वर्ड नया बना के लिख दीजिएगा तो आप तो समझ जाइएगा, बाकी कोई दूसरा समझेगा, नहीं सर। इसका मतलब वर्ड फिक्स है, राइट ना। कंप्यूटर यस में भी जब आप सी लैंग्वेज में आइएगा, अब लैंग्वेज तो ये भी है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी होगा वर्ड। यहाँ पे उस वर्ड को बोलते हैं कीवर्ड, जो फिक्स है, उसका फिक्स मीनिंग है, क्या है, फिक्स मीनिंग है नो उसका, बात समझे। जो यस वर्ड सर। अगर आप लिख दीजिएगा तो उसका मीनिंग फिक्स है, जैसे वो चीज लिखेगा उसको वही समझ जाए, अच्छा इसका ये मतलब है, बात समझे। यस सर। यहाँ पे भी जो आप सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस का मतलब समझ रहे हैं, एक सेंटेंस, तो यहाँ पे सेंटेंस को हम लोग इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत, इसको क्या बोलिएगा, स्टेटमेंट स्टेटमेंट, भी है उस। स्टेटमेंट बोले, वन स्टेटमेंट, ठीक है। सेंटेंस को फुल स्टॉप करते हैं, सर। यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह पे सेमी कॉलन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक कॉलम है। दूसरा, हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं ग्रामर, क्या बोलते हैं, ड्रामा। ग्रामर में आपको क्या बताया गया है कि वाक्य कैसे बनाना है, पैराग्राफ को यस ब्रेक करना है, ये सब फॉर्मेट सीखे हैं आप ग्रामर में। यस सर। यहाँ पे ग्रामर की जगह उसी को बोलते हैं सिंटैक्स,
क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। Yes. कोई दिक्कत इसको समझने में? नहीं सर, वेरिएबल क्या होता है? स्टोर्ड आप वैल्यू सर। वैल्यू क्या को पता है स्टोर वेरिएबल करते के बारे में? वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट कैन स्टोर द वैल्यू। बहुत अच्छा है, एकदम रट के रखे हैं। कभी कभी आपने शब्दों में भी बोलना चाहिए। सर वेरिएबल सर बहुत सारे वैल्यू का वेरिएबल तो कंटेनर है, है? ठीक है, कंटेनर है, वैल्यू स्टोर करता है। टेम्पोररी स्टोर करता है कि परमानेंट? सर परमानेंट नहीं स्टोर करता है, टेम्पररी सर। टेम्पररी सर, दैट कैन बी एक चीज और चेंजेबल। भी होता है, एक चीज और भी होता है, कांस्टेंट बोलते हैं उसको, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, यस सर, ठीक है। एक तो वेरिएबल होता है, दूसरा होता है कांस्टेंट, वो भी वैल्यू रखेगा, लेकिन उसमें एक बार जो रख दिए सो रख दिए, दोबारा उसका वैल्यू आप चेंज दोबारा चेंज नहीं होता सर। यस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट का यूज कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, जब प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, डेटा टाइप आपको बता दिए हैं। क्या होता है डेटा टाइप? डेटा टाइप बताता है कि किस टाइप का वो डेटा है, किस किस टाइप का टाइप का वो वेरिएबल, डेटा है। रूल, राइट, ग्रामर, बाकी लोग तो ग्रामर रूल। लिख दिए हैं। सिंटेक्स का मतलब हमारे नॉर्मल लाइफ में ग्रामर है, ठीक है। और कंप्यूटर में क्या बोलेंगे उसको? सिंटैक्स, मतलब वहां पे क्या सिंटैक्स। होगा, वाक्य बनाने का तरीका। जैसा यस तरीका सर। है वैसे ही लिखिएगा तो समझेगा, और अगर इधर उधर कीजिएगा तो सीधा बोल देगा गलत है। कौन बोलेगा ये काम गलत है कि सही है, कौन बताएगा? कंप्यूटर, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर। और आपका कंप्यूटर तो बताएगा, लेकिन उस कंप्यूटर में कौन? सर, कंपाइलर। कंपाइलर। यस सर, कौन बताएगा? कंपाइलर। क्यों? कि कंपाइलर का काम क्या है? आप जो सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं उसको किस चीज में ट्रांसलेट करना? मशीन मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज में। मस और आप यस प्रोग्राम लिखिएगा, उसमें सिंटैक्स जो है सही से फॉलो नहीं कीजिएगा तो कंपाइलर क्या बोलेगा? हमको नहीं नहीं। समझ में आया कि आप हाँ क्या सर, लिखे हैं। बात समझ में एरर आया? देना। तो यस सर, एरर कौन बताएगा आपको? कंपाइलर। कंपाइलर। कि कब बताएगा? जब वो कंपाइल करने लगेगा, कुछ उटपटा लिखा रहेगा तो यस ट्रांसलेट कर सर, पाएगा? यस सर, ट्रांसलेट कर पाएगा अगर उटपटा कुछ लिखा हुआ है, एरर रूल को फॉलो नहीं कीजिएगा दे तो देगा सर, एरर देगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ एरर दे में देगा। नहीं आएगा, तो बताएगा कि आपको ये समझ में नहीं आया। नहीं आ रहा है। बात समझ गए? यस सर, कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। ठीक है। तो कंपाइलर एरर कौन दिक्कत देता है आपको? कंपाइलर कंपाइलर। बताता है। ठीक है, क्यों बताता है? क्योंकि वो बेचारा ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है वो भी बता देता है, थोड़ा बहुत हिंट दे लिखा देता है। हुआ। देखिए, हमको लग रहा है ना यहाँ पे कुछ अब गड़बड़ कर दिया। अब क्या गड़बड़ किए आपको नहीं बताएगा, कुछ गड़बड़ किए। जैसे मान लेते हैं आप कुछ सिंटेक्स लिखे हैं, दिस इज अ बॉय के जगह पे मान लेते हैं आप कोई आदमी अंग्रेजी जानता है और फ्रेंच जानता है, क्या क्या जानता है? इंग्लिश और फ्रेंच, फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच। आप इंग्लिश जानते हैं, दूसरा आदमी फ्रेंच जानता है, और आप एक तो ट्रांसलेटर रख लिए हैं। उसका काम क्या है कि आप अंग्रेजी में जो बोलिएगा उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट करना। और आप बोलने समय दिस इज अ बॉय के जगह पे लिख दिए हैं दिस ए बॉय इज, अब बोलिएगा इसको ट्रांसलेट कर दो जी फ्रेंच में। बोलेगा हमको तो यही नहीं समझ में आया कि आप बोल क्या रहे हैं, तो हम इसको ट्रांसलेट क्या करें? राइट? यस नहीं तो बोलेगा ना कि हम नहीं कर पा रहे हैं। सर, ठीक है, और क्या बोलेगा कि भाई आपका ट्रांसलेशन हमको, इसका जो है ना, इसका मीनिंग हमको समझ ही नहीं आ रहा, इसका एक बार सेंटेंस चेक कीजिए। नहीं, तो वही आपका कंपाइलर इसलिए आपको बता देता है एरर। बात समझ गए? क्योंकि यस सर, वो आपका काम नहीं कर पा रहा है तो बताएगा ना कि आपका काम हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वही एरर होता है यहाँ पे। ठीक, बात समझ में आ गया है या कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट। प्रोग्राम के यस स्टार्ट समझ करने से सर। पहले जानना चाहिए था। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग हाई लेवल चीज जान गए हैं, अब हम लोग थोड़ा सा अंदरूनी चीज जानें। ठीक है, कि भाई अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, जैसे आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है ना, तो वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर जैसे सेंटेंस बनाना है, पैराग्राफ बनाना है, एक पेज आपको लिखने के लिए बोल। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक तरह से एक आप पेज लिख रहे हैं या बुक लिख रहे हैं। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? एक तरह से आप एक बुक लिख रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम का क्या यस मतलब हो गया? बुक लिखना।
ठीक। अच्छा बुक लिखना है तो बुक का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि पहले टेबल ऑफ कंटेंट लिखते हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट से भी पहले लिखते हैं कि बुक का राइटर कौन है, बुक का नाम क्या है, लिखिएगा यस बुक सर। किसके है, किसके लिए बुक बनाया गया है, किसको बुक पढ़ना चाहिए, सब लिखते हैं ना हम लोग। यस उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, फिर चैप्टर, चैप्टर के अंदर में सेंटेंस पैराग्राफ सब रहता है राइट। यहाँ पे यस अगर आप जब ये प्रोग्राम जो है आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक बुक से, कि एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में यहाँ पे काम करने का कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा होगा। जैसे पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है राइट, तो पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसको आप बोल सकते हैं कि एक बुक हो गया राइट। और वर्ड का जो यस सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो एक बुक हो गया। वैसे सी लैंग्वेज भी बना हुआ है वो भी एक बुक हो गया, बात समझ रहे हैं। और उसके अंदर में बहुत सारा पैराग्राफ वगैरह होगा, वो हम लोग बहुत सारा पेज होगा, बहुत सारा चैप्टर होगा। तो बहुत सारा जो पेज होगा उसको आप अलग अलग फाइल बोल सकते हैं यहाँ पे। एक एक पेज को आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अलग अलग फाइल बोल सकते हैं ना, मेजर यस करने के लिए। आप एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम मैच मत कराने लगिएगा ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। बस मोटा मोटी ऊपर से समझ लीजिए ठीक है। कि अलग अलग वहां पे पेज होता है, पन्ना होता है, यहाँ पे अलग अलग फाइल होगा ठीक। हर पेज में क्या होगा, बहुत सारा पैराग्राफ हो सकता है, कई सारा पैराग्राफ होगा, हर पैराग्राफ में बहुत सारा सेंटेंस होगा, ऐसे होगा ना। तो यहाँ पे भी जब आप प्रोग्राम लिखिएगा तो कुछ चीज जो है फिक्स है, कुछ चीज जो है वो क्या होगा, फिक्स होगा, या फिक्स उसको हम लोग बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, बेसिक। बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए जब आप लोग सी का प्रोग्राम लिखेगा तो सबसे पहले जो आपको लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड। क्या लिखना पड़ेगा, ये हर प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। शुरू जैसे कीजिएगा, सबसे पहले सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में स्टार्टिंग आपको हैश इंक्लूड से ही करना है। अब ये होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर कमांड। प्रोसेसर कमांड, प्री प्रोसेसर ठीक है, प्री प्रोसेसर कमांड बोल दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ कमांड ही एक तरह से ठीक है। थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं ताकि सब कुछ एक जगह पे दिखे। आप लोगों को दिख रहा है ना, आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, पढ़ने में आ रहा है राइट ठीक है, पढ़ने में आ रहा है ना। सर तो ये बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। ये होता क्या है, देखिए सी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको पता है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है। और इसके लिए भी क्या लिखा हुआ है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इसके लिए भी क्या लिखा हुआ है, बहुत सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है ठीक है। ये जो यस सॉफ्टवेयर सर। बनाया गया है, जैसे बोल दिया ना सॉफ्टवेयर क्या हो गया, बुक हो गया, तो बुक के अंदर में बहुत सारा चैप्टर रहेगा ना, सर। बहुत सारा चैप्टर रहेगा है ना। और हर चैप्टर में बहुत सारा पेज रहता है, पन्ना रहता है, एक ही पन्ना में एक चैप्टर नहीं खत्म हो जाता है, हमेशा सर। कोई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बहुत सारा 2500 पन्ना हो सकता है, 500 पेज हो सकता है राइट। तो जी यहाँ पर सर। प्रोग्राम जब सी लैंग्वेज भी बनाया गया है, यहाँ पे भी क्या किया गया है कि बहुत सारा क्या होगा, बहुत सारा चैप्टर होगा, यस और हर चैप्टर जो होगा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से होगा ना। होगा। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ है, जब प्रोग्राम जब बनाते हैं इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसको पहले डिवाइड करते हैं ठीक है। और जब डिवाइड किए हैं तो अलग अलग चैप्टर बना दिया गया है ठीक, मतलब अलग अलग आपको सेक्शन बना दिया गया है, और एक सेक्शन में कोई एक स्पेसिफिक टाइप का काम लिखा हुआ है ठीक है। जैसे अभी आप सी लैंग्वेज में आपको बोला ना कि यहाँ पे वर्ड है, सेंटेंस है, जो भी कुछ है राइट, बहुत सारा कीवर्ड्स है राइट। तो वो सब जो वर्ड या कीवर्ड या जो भी कुछ है वो किसी ना किसी प्रोग्राम का पार्ट है, क्योंकि सी भी एक प्रोग्राम है, तो उसमें जो भी कुछ लिखा है वो सब कहीं ना कहीं तो सॉफ्टवेयर में लिखा होगा ना। इसका मतलब क्या होता है, तभी ना कंपाइलर समझता है, कंपाइलर भी एक प्रोग्राम है नहीं, सर सब कुछ तो एक प्रोग्राम ही है। तो अभी क्या हुआ कि आप जो भी सी लैंग्वेज में जो भी वर्ड या सेंटेंस यूज करने वाले हैं, या कीवर्ड जो यूज करने वाले हैं राइट, वो कीवर्ड भी किसी ना किसी फाइल में लिखा हुआ है, उसके प्रोग्राम के फाइल में लिखा हुआ है। और कीवर्ड के अलावा उसमें बहुत सारा काम करने का तरीका, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, आगे देखेंगे ठीक है। तो वो किसी ना किसी फाइल में लिखा हुआ है ठीक है। तो आप जब कोई प्रोग्राम लिखिएगा, आप जब क्या कीजिएगा, कोई प्रोग्राम लिखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो कीवर्ड यूज करना पड़ेगा ना, वर्ड यूज कीजिएगा ना, आपको चैप्टर नहीं लिखना है तो वर्ड लिखिएगा ना उसमें, तभी ना चैप्टर प्रोग्राम होगा।
तो जब कभी भी आप प्रोग्राम ऐसे लिखने लगिएगा तो जो भी वर्ड वगैरह आप यूज करने वाले हैं वो वर्ड कौन से फाइल में रखा हुआ है वो फाइल आपको पता होना चाहिए। वो फाइल आपको पहले लाना पड़ेगा, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिख दिए आप। बात समझे कि आप जो भी कुछ यूज करने वाले हैं वो कौन से फाइल में रखा हुआ है, वो फाइल पहले बोलना पड़ेगा कि भाई साहब वो वाला फाइल लाओ। ठीक है, पहले वो वाला फाइल खोलो, उसके बाद जो है मेरा प्रोग्राम पढ़ना, तब समझ में आएगा कि हम क्या लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो यहाँ पे लिखे हैं उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो इस फाइल में है। बात समझ में आ गया? और ऐसा ऐसा बहुत सारा फाइल है, हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारा फाइल कहाँ पे है कैसे है, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि ऐसा ऐसा बहुत सारा फाइल है। और उस फाइल में से किसी फाइल को अगर ओपन करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड। क्या लिखेंगे? इंक्लूड हैश इंक्लूड, इसको हैश पढ़ते हैं, लिख देते हैं हम लोग इसको। हम क्या पढ़ते हैं? हैश, इसको पढ़ते हैं हैश। ठीक है, बात समझ में आ गया? इसको हम पढ़ते हैं हैश, हैश इंक्लूड। और उसके बाद यहां लिखते हैं क्या है, फाइल का नाम। क्या है? फाइल का नाम। करना। फाइल के नाम में एक स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी ये है कि इसका एक्सटेंशन नेम होता है एच। इसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? एच। और वैसा फाइल जिसका एक्सटेंशन नेम एच है सी लैंग्वेज में, उस फाइल को हम बोलते हैं हेडर फाइल। क्या बोलेंगे? फाइल बात समझ में आ गया? तो हेडर यस फाइल सर। क्या है? एक ऐसा फाइल है जो कि आपको ओपन करने की जरूरत है। क्यों ओपन करने की जरूरत है? क्योंकि इसी में वो सब चीज लिखा हुआ है। हर एक हेडर फाइल में एक स्पेसिफिक चीज लिखा हुआ है, और आप जब प्रोग्राम लिखने वाले हैं तो आप कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्ड लिखिएगा, उसके कुछ ना कुछ आप यूज कीजिएगा। वो जो भी कुछ आप यूज कर रहे हैं वो किसी ना किसी एक फाइल में लिखा हुआ है, और वो फाइल आपको ओपन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यस इसमें जो सर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या बोलिए कि ऐसा कोई ऐसा प्रोग्राम आप लिखेंगे ही नहीं जिसमें कि आपको इस हेडर फाइल का जरूरत नहीं पड़ेगा, और वो है stdio.h। ठीक है, यस कौन सा हेडर फाइल सर। है? stdio.h। इसका मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। आउट स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए जो भी चीज लिखा हुआ है वो सब जो है stdio.h फाइल में लिखा हुआ है। तो हेडर फाइल समझ में आया क्या होता है? यस सर। क्या समझे हेडर फाइल? तो सबसे पहले हेडर फाइल से पहले सर प्रोसेसर कमांड, राइट? और ये यस प्रीप्रोसेसर कमांड जो है बेसिकली क्या होता है, आपका जो प्रोग्राम का कंपाइलेशन होगा ना, आप जैसे कोई प्रोग्राम लिखिएगा इसको कंपाइल करना पड़ेगा ना, यस तो कंपाइल करने से भी पहले, कंपाइलेशन शुरू करने से भी पहले सबसे पहला काम ये करेगा, ये जाके प्रीप्रोसेसर कमांड पढ़ेगा। ठीक है, यस कंपाइलर भी जो है कंपाइलेशन स्टार्ट करने से पहले इसके प्री प्रोसेसर कमांड को पढ़ेगा। प्री प्रोसेसर कमांड का मतलब वो कमांड जो हैश से स्टार्ट होता है, सर। स्टार्ट होगा हैश से। ठीक है, अभी हम लोग यस यूज करने वाले हैं हैश इंक्लूड, लेकिन इसके अलावा भी प्री प्रोसेसर कमांड और भी कुछ कुछ होता है। हम यहाँ पे लिस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें से सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत सारे कुछ हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, क्या क्या यूज करेंगे? तो एक तो आप देख लीजिए हैश इंक्लूड, प्री प्रोसेसर कमांड लिख देते हैं, प्री प्रोसेसर कमांड, हैश इंक्लूड हो गया। एक सेकेंड, उसके अलावा यहाँ पे हैश डिफाइन एक और भी होता है, उसके अलावा हैश इफ डेफ, ये सब हम लोग लास्ट में देखेंगे। इफ डेफ हैश एल्स, इफ लिख दिया ना, हाँ एफ लिख दिया, हैश एल्स। ठीक है, उसके बाद हैश इन डेफ, एनडेफ, ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे इफ डेफ लिखे हैं, तो इफ डेफ के अलावा यहाँ पे एक और भी चीज लिख दीजिए ताकि सीक्वेंस में रहेगा, हैश इफ एंड डेफ। ठीक है, तो ये सब जो है आपका प्री प्रोसेसर कमांड है, जो भी हैश से स्टार्ट होता है वो प्री प्रोसेसर कमांड है। हम आपको यहाँ पे केवल नाम लिख के दे रहे हैं कि क्या क्या है, अभी हम सबका यूज नहीं बता रहे हैं आपको, हम केवल अभी एक चीज का यूज बताए, वो कौन सा चीज, हैश इंक्लूड। इसका काम है फाइल को लाना। कौन सा फाइल को लाने के लिए बताए हैं आपको, कौन सा फाइल?
हेडर फाइल। इस फाइल को ना फाइल। काम करते हैं, हैश इंक्लूड का काम क्या है, हेडर फाइल को कॉल करना, हेडर फाइल को लाना, हेडर फाइल को ओपन करना। बात समझ गए? यस सर। ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ होता है हैश प्रगमा, ठीक है। प्राइमरी उसके अलावा होता है हैश एरर, हैश वार्निंग, ठीक है। ये सब जो है आपका प्री प्रोसेसर कमांड है। और प्री प्रोसेसर कमांड का मतलब क्या होता है? प्री प्रोसेसर कमांड का मतलब क्या होता है, क्या बताएं आपको? एरर हैज वार्निंग ये सब। वो तो ठीक है, इसका मतलब क्या बताया है? इट वर्क्स इवन बिफोर कंपाइलेशन स्टार्ट्स, राइट? इट वर्क्स इवन बिफोर कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम, स्टार्ट्स। मतलब प्रोग्रामिंग कंपाइलेशन करने से भी पहले, सबसे पहले कौन सा कमांड काम करेगा? इफ वर्क इवन बिफोर कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट। है ना, आपका जो कंपाइलेशन स्टार्ट होने से पहले, सबसे पहले कौन सा कमांड काम करेगा? प्री प्रोसेसर कमांड काम करेगा। कोई दिक्कत इसको समझने में? तो प्री प्रोसेसर कमांड क्या है? वो वैसा कमांड है, वैसा प्रोग्राम है जो कि इवेंट की कंपाइलेशन से पहले ही काम कर जाता है। कंपाइलेशन स्टार्ट होने से पहले जो भी आप हैश के साथ लिखे हैं, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश इफ डेफ एंड इस, हैश इफ एंड डेफ इस, हैश एल्स, हैश एंडिफ, हैश प्रग्मा, हैश एरर, हैश वार्निंग, इसके साथ जो भी कुछ आप लिखे हैं वो आपका पहले काम करेगा। किससे पहले? कंपाइलेशन स्टार्ट होने से भी पहले। कोई दिक्कत इसमें समझने में किन्हीं को? इसको हम दोबारा बड़ा कर देते हैं। हेडर फाइल नहीं होता ठीक है, ठीक है। इसका काम है। होता हेडर है इट फाइल का विल काम क्या है? रिमूव द हेडर फाइल, बोल सकते हैं या बोल सकते हैं प्रोग्राम रिटर्न इन अदर फाइल। चलिए ठीक है, अभी हम लोग इतना शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, इट विल इंक्लूड द हेडर फाइल, ठीक है। चलिए इतना ही सर लिखा फिलहाल, ठीक है। आगे और भी जब तो हम ये तो था आपका हेडर फाइल और प्री प्रोसेसर कमांड, ठीक है। अब आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हेडर फाइल है, जो कि आपके हर प्रोग्राम में काम आएगा, वो है आपका stdio.h। इसको आप पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑल्सो। इसका नाम एक तरह से फुल फॉर्म, ऐसा कुछ फुल फॉर्म होता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसको आप पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट, कहाँ लिखा है कर्सर, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितना भी कीवर्ड है, फंक्शन है, प्रोग्राम है, अगर उसको आप अपना यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या कॉल करना है? हैश इंक्लूड stdio.h। तो अगर आपके प्रोग्राम में कहीं पे हैश इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आ जाएगा या अभी भी कोई दिक्कत रहेगा? अगर आप लोग, कोई लोग सी अगर किए हैं आपके क्लास में, अगर बताया गया है, तो अगर कभी किसी भी कारण से अगर क्लियर नहीं है, तो अभी समझ में आ गया हैश इंक्लूड stdio.h क्यों लिखा होता है, इसका क्या काम है? इसका काम क्या है बताएंगे? इनपुट आउटपुट के लिए सर स्टैंडर्ड। वो तो ठीक है। तो हैश इंक्लूड का काम क्या है? हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब होता है कि आप बोल रहे हैं कि सी लैंग्वेज को, कि भाई साहब प्रोग्राम का कंपाइलेशन स्टार्ट करने से पहले आप stdio.h फाइल को ले आओ यहाँ पर। बात समझ में आया? यस बेसिकली हम लोग उस हेडर फाइल को यहाँ पे लाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी यस तरह से दूसरा है conio.h, इसका मतलब होता है CON का मतलब कंसोल। कंसोल हम लोग किसको बोलते हैं? जो आपका जो काला रंग का स्क्रीन होता है, ये वाला, ऐसा ये वाला स्क्रीन देखे हैं आप अपने कीबोर्ड, अपने कंप्यूटर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्लैक स्क्रीन, यस सर। ये जो स्क्रीन है ना, इसी को हम लोग कंसोल बोलते हैं, ठीक। तो यस इस सर। कंसोल में इनपुट और आउटपुट करने से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक चीज है जो किसी लैंग्वेज में हम लोग यूज करेंगे। वो जो चीज है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि conio.h, conio.h फाइल में लिखा हुआ है। अगर आपको उस तरह का कोई फंक्शन या कुछ काम यूज करना है तो आप यूज करेंगे कौन सा फाइल को लाने के लिए बोलिएगा? conio.h को लाने के लिए बोलिएगा।
ठीक है, बात यस समझ आ गया। यस सर, चलिए अब हम आपको क्या बताएं कि आपका जो एक प्रोग्राम है, क्या बताएं प्रोग्राम को किससे कंपेयर करने के लिए बोले, बुक सर से। प्रोग्राम को किसको किससे कंपेयर करने के लिए बोले आपको, बुक से ना। सर ठीक है, तो बुक में क्या होता है, लेट्स से मान लेते हैं कि अब आपको एक चीज दिखाते हैं। अच्छा बुक में ही मान लेते हैं, बुक को कभी भी पढ़ना है तो कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, सर पहला पेज से ना, सर मतलब शुरू बोलेंगे से बुक कहाँ से ओपन करना, करिए। बुक का स्टार्टिंग मतलब बुक कहाँ से ओपन होता है, तो पहला पेज से ना। यस अब यहाँ पे बोलिएगा तो ऐसा तो कोई जरूरी थोड़े है सर कि बुक तो हम बीचों में ऐसे खोल सकते हैं ना, नहीं खोल सकते हैं, सर खोल कोई जरूरी है कि पहला पेज सकते हैं, लेकिन है, कहीं से सर भी खोलिएगा आप पढ़ लीजिएगा, राइट सर है ना, कहीं से भी खोलिएगा पढ़ लीजिएगा ना। ठीक है, अभी एक चीज आप, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो सर ज्यादा समझ में आएगा सर। वो अलग बात है, लेकिन आप कहीं से भी खोल के पढ़ सकते हैं, राइट। यस सर कहीं अभी से ध्यान रखिए, जो रीडिंग बोल रहे हैं सर क्या आप बात कर रहे हैं, बुक को कोई जरूरी है क्या पहला पेज से पढ़ें, हम कहीं से भी रीडिंग तो सर कहीं खोल से रहे कर सकते हैं, रीडिंग तो सर हैं। कहीं से कर सकते हैं। यस सर रीडिंग ठीक यस है, सर ये घर है, घर में तो बहुत सारा रूम होगा, यस सर लेकिन अगर घर में घुसना है तो कहाँ से घुसिएगा, ये मेन डोर से ना घुसिएगा, यस सर कहाँ से घुसिएगा, दरवाजा, मेन उसमें डोर रूम बहुत होगा अंदर में बहुत रूम है, जैसे बुक में चैप्टर बहुत है ना, लेकिन अगर उसमें जाना यस है तो कहाँ से घुसिएगा, मेन डोर से ना घुसिएगा घर में, और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है घर में घुसने का। नहीं सर फर्स्ट मेन रोड से एक सेकेंड, ठीक है, ये घर का नक्शा, ठीक है, इसमें सर रूम बहुत सारा बना हुआ है, एक रूम इधर है, इधर भी एक रूम है, दरवाजा बना हुआ है घर का, ये आपका क्या है, मेन डोर है, यस रुक जाइए, तो ये आपका मेन, अरे भाई साहब ये तो, और ये एक दिक्कत है, ये आपको इतना छोटा छोटा फोटो दिख रहा है, रुक जाइए देखते हैं, अगर खुलेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरे में खोलेंगे, और क्या, रुक जाइए कहीं और खोलते हैं, बहुत मिलेगा ये इतना भाई नहीं है। साहब। मिल ये पाएगा सर एक घर, ये घर दिख रहा है आपको, यस बड़ा कर दें, आपको ऐसा ही घर बनवाना है क्या, किनको किनका ऐसा घर बनवाना है, 2 फ्लोर का घर है ये हमको बनवाना है सर। आपको बनवाना है, ठीक है। चलिए तो घर में दरवाजा तो बहुत है, एक इधर दरवाजा है, एक यहाँ रूम है, एक इधर भी बाथरूम होता है जो भी हो, एक इधर ये आपका डाइनिंग हॉल है जो भी है, ऊपर सीढ़ी भी है, के नहीं लिए ऊपर भी होगी जाने का रास्ता है, यहाँ भी जाने का रास्ता है, यहाँ भी जाने का रास्ता है, इधर से किचन में भी आने का रास्ता है, ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया, नहीं यहाँ बैठ के आप जो है सब सब कुछ खाना पीना खा सर। सकते हैं, राइट, यहाँ बैठ के आप टीवी देख सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन घर में घुसने का दरवाजा कितना है, एक एक मेन डोर, तो अगर आप भी ऐसे ही प्रोग्राम लिखे हैं तो प्रोग्राम में भी अंदर में तो बहुत सारा दरवाजा, बहुत सारा रूम, सबका अलग अलग काम होगा घर में, लेकिन सब मिला के घर होता है, घर में बहुत सारा रूम होता है, तो प्रोग्राम भी लिखेगा तो आपके पास बहुत सारा फाइल होगा, प्रोग्राम फाइल होगा, ठीक है, बहुत सारा आप उसमें पैराग्राफ लिखेगा, बहुत सारा प्रोग्राम लिखेगा, बहुत सारा कुछ आप उसमें लिखेगा, लेकिन घर में घुसने का जो एक मेन डोर होता है, राइट, मेन डोर होता है, उसको मेन डोर बोलते हैं, यस घर में सब दरवाजा है लेकिन उसमें से एक दरवाजा को मेन डोर बोलिएगा, यस ठीक है, तो इसी तरह से सी प्रोग्राम में भी जिस जो फंक्शन, जो प्रोग्राम का मतलब वो काम ही ना करना है, उसको काम को क्या बोलते हैं, फंक्शन, यस सर काम को फंक्शन बोल सकते हैं, बोल सकते फंक्शन, राइट, तो यहाँ भी जब प्रोग्राम को हम लिखते हैं, प्रोग्राम का काम क्या करना है, फंक्शन करना है, कुछ काम करना है, तो वहां पे काम करने के लिए जो हम चीज छोटा छोटा बनाएंगे उसको हम बोलते हैं फंक्शन, ठीक है, काम करने के लिए यस प्रोग्राम में भी हम क्या बनाते हैं, बहुत सारा फंक्शन बनाते हैं, उसमें से एक सर फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए मेन, मेन घर में आप बहुत दरवाजा बना दिए, उसमें से एक दरवाजा को आप मेन डोर बोलते हैं ना, वैसे ही प्रोग्राम जब आप लिखिएगा तो उसमें से एक प्रोग्राम आपको लिखना ही पड़ेगा, एक फंक्शन आप,
आपको लिखना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा क्या, मेन। मेन। और प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो इसी मेन से होता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किससे स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से। तो हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन तो होना ही होना है, बिना मेन फंक्शन के कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ, ठीक है। बिना मेन फंक्शन के कोई प्रोग्राम नहीं होगा, बात समझ गए। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन मेन फंक्शन से। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन, बात समझ गए, ठीक है। सर। चलिए अब हम लोग जो है